नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका स्नैपचैट का अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपका स्नैपचैट का अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में नेटवर्क है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है या है भी तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के डिस्प्ले को ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है और एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन करना है और यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि फिर से अपने फ़ोन में स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन करके देखना है कि आपका स्नैपचैट का अकाउंट लॉगिन हो रहा है कि नहीं। अगर इतना से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर आपका इतना से भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको स्नैपचैट को यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद अब आपको स्नैपचैट पे थोड़ा देर उंगली दबा कर रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद ऊपर में आपको एक आई बटन का ऑप्शन मिलेगा या आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन दिखेगा तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद आपको नीचे में एक स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको मैनेज स्पेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहां से डिलीट कर देना है। डिलीट करने से यहां से आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं होगा, आपका अकाउंट सेफ रहेगा। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसको रिसेंट से हटा देना है। हटाने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में फिर से स्नैपचैट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे में एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम जो भी बात बता रहे हैं आपको उस बात को ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप अपना स्नैपचैट का अकाउंट मोबाइल नंबर से बनाए हुए हैं तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर जो भी आपका स्नैपचैट का पासवर्ड है वह डालना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तब पर भी आप कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं, वहाँ पर आप OTP से लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाता है। अगर आपको पता नहीं है कि आप किस चीज़ से अपना अकाउंट बनाए हुए हैं, जैसे कि हो सकता है आप अपना जो अकाउंट है वह ईमेल आईडी से बनाए होंगे, तो आपको क्या करना है कि नीचे में आपको एक यूज ईमेल और यूजर नेम इंस्टेड का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप ईमेल आईडी से अकाउंट बनाए हुए हैं तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है और जो भी आपका स्नैपचैट का पासवर्ड है वह डालना है। अगर यहाँ से आपका स्नैपचैट का पासवर्ड गलत भी हो जाता है तो हो सकता है आपके जो भी जीमेल अकाउंट है, ईमेल अकाउंट है, उस पर OTP जाए तो उस OTP से आप अपना स्नैपचैट का अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपना जो स्नैपचैट का अकाउंट है वह मोबाइल नंबर से हम लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी मेरा मोबाइल नंबर है वह डाल लेते हैं और यहाँ पर जो भी मेरा स्नैपचैट का पासवर्ड है अब वह डाल लेते हैं। डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्नैपचैट का पासवर्ड है वह गलत हो गया है और यहाँ पर हमारा जो भी मोबाइल नंबर से अकाउंट बना हुआ है उस पर एक कोड गया है, वेरिफिकेशन कोड गया है और वह कोड यहाँ पे हम जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर जो मेरा अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। हो सकता है आपके मोबाइल पर OTP नहीं आया हो तो आपको नीचे में यहाँ पर आपको क्या करना है कि नॉट रिसीव इट पे क्लिक करना है तो फिर से स्नैपचैट से कोड भेजा जाएगा तो उस कोड से आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोड भी ट्राई करते हैं, फिर से नया कोड भेजते हैं तब पर भी आपके स्नैपचैट पे कोड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो हम शुरुआती में आपको फ्लाइट मोड करने का प्रोसेस बताए थे आपको वह करना है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो भी OTP है वह आ जाएगा। हो सकता है यह मोबाइल नंबर आप किसी दूसरे फ़ोन में लगाए होंगे तो वहाँ पर OTP गया होगा, अगर इस फ़ोन में लगा होगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं होता है तो जो भी कोड आया है उसको आपको देख के डाल लेना है। कोड डालने के बाद यहाँ से जो आपका अकाउंट है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा या OTP आने के बाद वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा OTP आने के बाद ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया है और मेरा अकाउंट भी लॉगिन हो गया है। तो इस तरह से अगर आपके स्नैपचैट का अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा था, वहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था, तो उस प्रॉब्लम को इस तरह से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।